नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। हर रोज बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर आज उमरिया जिला के गांधी चौक स्थित कांग्रेस सेवा दल द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए बेशर्मी, महंगाई और कुशासन का पुतला दहन किया गया। उमरिया जिले के मुख्यालय स्थित गांधी चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने देश और प्रदेश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल सहित गैस और अन्य खाद्य सामग्री के दामों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री और शिवराज सरकार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और महंगाई के विरोध में ज्ञापन सौंपकर बढ़ती महंगाई को रोकने में सरकार की नाकामी का पुतला दहन किया गया। हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को भी मिल सकता है। द्वारा उमरिया जिला कांग्रेस सेवा दल के द्वारा मध्य प्रदेश सेवा दल के आह्वान पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया महंगाई के खिलाफ। और जिस तरीके से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार जिस तरीके से महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये एक साथ बढ़ गए और खाने के तेल से लेकर हर चीज़ महंगा हो गया है, इसके विरोध में कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। और मध्य प्रदेश सरकार के कुशासन, अव्यवस्था, उनकी लाचारी और उनकी बेशर्मी के खिलाफ बेशर्मी का पुतला फूंक कर यहाँ पर ये मांग की गई है राज्यपाल महोदय से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, कि सरकार का अंकुश समाप्त हो चुका है, ये सरकार अक्षम हो चुकी है, इस सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए और आम पब्लिक को राहत मिले, उनको इस तरीके से पैकेज मिले कि वो लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस लगातार महंगाई बढ़ती आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मान रही है तो उग्र से उग्र आंदोलन करेगी। रेलवे की हालात आप लोग देख रहे हैं कि उमरिया से जो ट्रेन जाती है रुकती नहीं है, महंगाई, बसों के किराए बढ़ गए हैं, अगर ट्रेन से कोई जाना चाहे तो पैसेंजर ट्रेन तक यहाँ नहीं रुक रही है। इस तरीके की अव्यवस्था हमने कभी नहीं देखा है 60 साल, जिस तरीके की अव्यवस्था हुई है इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं और ये 2023 में जनता बता देगी कि इस सरकार को कहाँ पर पहुँचना है और उस हालत में पहुँचाएगी जहाँ पर पहले ये थे। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।